जिंदगी में हम समय का जितना बेहतर इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा सफल होंगे। लेकिन क्या आप टाइम मैनेजमेंट का सही तरीका जानते हैं? आपको इसके लिए किन आदतों को अपनाना चाहिए, किन बातों पर ध्यान देकर न सिर्फ आप समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि अपने गोल भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। बिजनेस ऑथर और सक्सेस एनालिस्ट ब्रायन ट्रेसी ने अपनी फेमस किताब टाइम मैनेजमेंट में इसके लिए कुछ जरूरी बातें बताई हैं। आइए जानते हैं। प्रेरणा में हम आज आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी आदतों के बारे में बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में आप जान पाएंगे अपने 24 घंटे का प्रोडक्टिव इस्तेमाल करना, जिंदगी में जरूरी कामों के लिए टाइम निकालना, प्रायोरिटी वाली जिम्मेदारी के लिए टाइम निकालना, जरूरी कामों पर फोकस बनाए रखना, हर मिनट का सही इस्तेमाल कर रोजाना के काम को बांटना, समय की अहमियत समझें। ब्रायन ट्रेसी अपने किताब में कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की साइकोलॉजी के मुताबिक हर इंसान की अपनी एक सेल्फ इमेज होती है। इंसान इस इमेज के हिसाब से ही काम करता है। टाइम मैनेजमेंट के मामले में ये इमेज सेल्फ बिलीफ से बनती है। अगर आप किसी काम को करने से पहले सोचते हैं कि उसे क्यों करना चाहिए, इसका मतलब है कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस आदत से आप दिन के 24 घंटों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। विजन और मिशन सोचें। अगर आपको नहीं पता है कि आप कोई काम क्यों कर रहे हैं, आप उस काम से हासिल क्या करना चाहते हैं, तो आप उस काम को कम समय में सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। काम की क्लियरिटी और गोल के बारे में पता होने पर ही काम को ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा सकता है। यही वजह है कि हमेशा काम शुरू करने से पहले विजन और मिशन के बारे में सोचें। इससे आप जरूरी कामों के लिए समय निकाल पाएंगे। आज से बेहतर डिसीजन लें। कहा जाता है कि अगर आपको नहीं पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कोई भी सड़क आपको मंजिल तक नहीं ले जा सकती। टाइम मैनेजमेंट बुक में बताया गया है कि दूर की सोचने की आदत डालनी चाहिए। इससे आप गलतियां करने से बचेंगे और समय का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म विजन रखने वाले वर्तमान में बेहतर फैसले ले पाते हैं और आज से बेहतर फैसला लेते हैं, वही भविष्य में कामयाब होते हैं। प्लानिंग को लिखें। किसी भी काम को तय समय में पूरा करने के लिए काम को लेकर क्लियरिटी बहुत जरूरी है। यही वजह है कि लेखक ब्रायन ट्रेसी गोल्स के साथ ही प्लानिंग को लिखने की सलाह देती हैं। वो कहती हैं कि जब हम रिटेन गोल्स और रिटेन प्लानिंग से चलते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन सी बाधाएं हमारे रास्ते में आने वाली हैं। हमें किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ताकि हम गोल तक जल्दी पहुंच जाएं। प्रायोरिटी तय करें। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी किताब में कहा है कि समय की कीमत समझे बिना टाइम मैनेजमेंट संभव नहीं है। हम तय समय में सब कुछ नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि हमें अपनी प्रायोरिटी क्लियर रखनी चाहिए। जो काम जरूरी है उसे पहले करें। लेखक पॉजिटिव डिले को जरूरी मानती है। पॉजिटिव डिले का मतलब है जो काम गैर जरूरी है उसे टाल दिया जाए, ताकि आप रोजाना के कामों से भी समय को बचा सकें और अपने गोल तक पहुंचने के लिए समय का इस्तेमाल कर सकें। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस तरह की दूसरी रोचक जानकारियों के लिए हमें फॉलो करते रहें।